हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी मस्त होंगे। मैं भी फिलहाल मस्त हूँ। आज ब्लॉग शूट करने का मूड हुआ तो आज एक ब्लॉग बना लेते हैं। तो आज हम हैं रूम पर, तो खिचड़ी बनाने वाले हैं, देसी खिचड़ी, गांव में जो बनाते हो। तो आपको भी बताएंगे हम कैसे बनाते हैं खिचड़ी, और ब्लॉग में बने रहिए। चलो बताते हैं क्या प्रोसेस है। देख सकते हो दोस्तों, ये आलू काट दिए और प्याज, एक प्याज काटी हमने आलू के साथ, और एक प्याज छोटी प्याज तड़का लगाने के लिए तेल में काटी है, और टमाटर काटे, और यहाँ पे तेल उबल रहा है। अब इसको उबलने के बाद इसमें सारे मसाले घोल दिए, तेल को तैयार होने देते हैं, फिर हम प्याज डालेंगे। आपको बताते हैं, वीडियो में बने रहिए। फेवरेट है इसलिए हमने आलू थोड़े ज़्यादा काटे। आप आपके हिसाब से काट सकते हो, कितने चावल बनाने उसके हिसाब से, चावल के हिसाब से। अभी दोस्तों देख सकते हो तेल उबल चुका है, तो हम अब प्याज डालते हैं इसमें तेल में। तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर तेल ज़्यादा गर्म हो गए। अब थोड़ी देर इनको पकने देते हैं प्याज को तेल में, जैसे कि पक गए हैं। अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे, थोड़ा गैस को तेज करते हैं। फिर 2 से 3 मिनट ढक कर पकने देते हैं। देख सकते हो दोस्तों, वो पकने आ रही है, ये तेल अलग हो रही है, मिर्ची अलग हो रही है। अब इसमें हम टमाटर डालते हैं, ये हमने टमाटर डाल दिए। टमाटर डाल के 1-1.5 मिनट तक हम इसको ढक कर टमाटर को भी पकने देते हैं। फाइनली हमारे दोस्त टमाटर पक चुके हैं। अब हम इसमें आलू डालते हैं, आलू और एक प्याज काटा हुआ था। अब इसको इसमें हम पानी डालते हैं और गैस को तेज कर देते हैं। पानी हमारे हिसाब से हम जितने चावल है, चावल को भी उतना पानी डाल देंगे एक साथ। आप आपके हिसाब से डाल सकते हो चावल जितने बना रहे हैं। फाइनली दोस्तों, अब ये आलू उबल चुके हैं और ये पक भी गए थोड़े हल्के कच्चे, वो अब चावल के साथ मिल जाएंगे। अब हम इसमें चावल डालते हैं। अब हम इसको घुमा देते हैं, और घुमाकर अब इसको पानी इतना लगे इतना डाल देते हैं, इसके हिसाब से चावल में लगे इतना पानी, हल्का खारा लगना चाहिए तो बराबर होगा। चावल और नमक डालने के बाद अब इसको हम बिल्कुल लो गैस पर पकने देते हैं। अब हमारे चावल पक कर रेडी हो चुके हैं। अब इनको खाने के लिए थाली में निकाल दें और फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे लगते हैं। देख सकते हो, आपको भी देखकर मुंह में पानी आ जाएगा। अब हमारे चावल हमने थाली में निकाल दिए, देख सकते हो प्याज व्याज कट चुके हैं, नींबू प्याज में डाल के अब चावल के साथ खाते हैं। मस्त टेस्ट, आपको सब के बताते हैं कैसे बने चावल। दोस्तों अब हम चावल टेस्ट करने वाले, तो बताते हैं आपको कैसे बने चावल। क्या बात की, साथ में प्याज भी खाओ, मजा आ जाए। तगड़ा टेस्ट आया चावल का, लाजवाब चावल। आप भी बनाओगे मजा आएगा, मैंने जैसे बताया वैसे चावल बनाओ, टेस्ट बन गया एक नंबर।
दोस्तों, तो हमारा आज देसी खिचड़ी का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, एंड हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।